हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं हूं रमन मिश्रा। दोस्तों, आज हमें बात करना है हिंदी व्याकरण में जो है वर्णमाला के दूसरे संभाग की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मैंने आपसे स्वर वर्ण के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा किया था कि स्वर वर्ण होते क्या है, इनका विभाजन कैसे होता है, और आज के जैसे जैसे आपसे पूछे जाते हैं कि वर्तमान समय में UP SSC कैसे पूछ रहा है, उन सभी पर हमने चर्चा कर ली है। हिंदी व्याकरण जो आपकी आगामी परीक्षा है लेखपाल, इस चीज के लिए बहुत बेहतर ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि लेखपाल में हिंदी का जो मानक रहेगा लगभग 25 प्रश्नों की हिंदी आएगी, ठीक है। इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, क्योंकि UP SSC की हिंदी, आप जितनी हिंदी अभी तक पढ़ रहे हैं उनसे हटके है। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखेंगे, जो पेपर UP SSC के द्वारा करवाए गए हैं अभी नई गठन के बाद, ठीक है, जब से UP SSC का नया गठन हुआ है उसके बाद, इसमें कहीं ना कहीं प्रश्नों के स्तर में, चाहे हिंदी का व्याकरण ही हो, लेकिन अब प्रश्न के स्तर आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, ठीक है। आज हम लोग वर्णमाला में बात करते हैं किससे, व्यंजन से, कि आखिर व्यंजन क्या होते हैं, इनमें अलग अलग जो इनका वर्गीकरण किया जाता है वह वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, इन्हीं तमाम बिंदुओं के आसपास हम लोग सारी चीजों पर परिचर्चा करेंगे। तो पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो जाना है, क्योंकि वर्णमाला मैंने बार बार जो है आपसे यही कहा है कि अगर मान लीजिए लेखपाल में आपके 25 प्रश्न ही होंगे, तब भी आप यह मान के चलो कि कम से कम 3 क्वेश्चन तक वर्णमाला से ही पूछ लेगा। यानी यह आपका जो सबसे बेस का चूंकि चैप्टर है, ठीक है, सबसे आपका पहला चैप्टर आता है सबसे बेस से, यहीं से कुछ शुरुआत होती है, तो यहां से आप हमेशा मान के चलिए अगर नंबर आप क्वेश्चन से ज्यादा हुए तो हमेशा जैसे जैसे प्रश्नों की इसमें जो है संख्या बढ़ती है वैसे वैसे यहां प्रश्नों की प्रवृत्ति, खासकर पहला जो आपका चैप्टर होता है, इससे बढ़ती चली जाती है, और लगभग सारे जो इतने आपके प्रश्न होते हैं वहां से हमें नए नए प्रश्न देखने को मिलने लगते हैं। देखिए, जब हम हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के बारे में बात करते हैं, उस दिन मैंने बताया था कि जो हम लेखन शैली के आधार पर लेते हैं तो 13 को हम जो है 13 वर्णों को स्वर में लिख देते हैं, बाकी बचे 39 जो आपके वो होते हैं वर्ण, इनको हम व्यंजनों में लिख देते हैं। ये तो जब हम लिखते हैं उस दौरान सारी चीजें कर देते हैं और सब मिला के 52 पूरे हो जाते हैं हमारे, लेकिन यहां पर अब हम थोड़ी सी चीजों को अलग बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि व्यंजन की परिभाषा क्या है। व्यंजन जो वर्ण होते हैं इनको परिभाषित इस रूप में किया जाता है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं। यानी जैसे आप जानते हैं कि का से आपका शुरुआत होता है व्यंजन वर्गों का हो गया, खा हो गया, गा, फिर घा, और उसके बाद आपका अंगा। अब यहां से शुरुआत हुआ क्या, यह व्यंजन वर्ग का शुद्ध मानक रूप आपके सामने है, नहीं लिखा है। इनमें जब आप हलंत लगा देंगे सभी में तब यह शुद्ध व्यंजन के मानक रूप में आएंगे, क्योंकि मानक हिंदी दूसरी होती है, ठीक है, और हमारी जो अन हिंदी बोलचाल की है, लिखने की है, वो दूसरी है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप हमेशा मानक ही शब्दों का प्रयोग करें तभी आप एक जो है बोलचाल में ये चीजें दूसरी होती, जैसे इंग्लिश में सिर्फ हमें भाव समझ में आने चाहिए शब्द का, चाहे जैसे इस्तेमाल करो, वैसे यहां पर भी चीजें हैं, क्योंकि भाषा किसके लिए है, भाषा हमारी अभिव्यक्ति के लिए है, हम अपनी बातों को कह सके, दूसरों को समझा सके, वही चीजें तो भाषा है। ध्यान दीजिए इसमें, व्यंजन के बारे में मैंने बात किया कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से हो वह व्यंजन कहलाते हैं। अब एक दिमाग में इतना ही पॉइंट आपको रखना है। अब इसके बाद जैसे मैंने बताया कि 39 वर्णों को व्यंजन के अंतर्गत लिखा जाता है, क्या ये सभी के सभी, इनमें कोई वर्गीकरण नहीं है, वर्गीकरण है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहली चीज जो इसमें आती है जहां से व्यंजन वर्ण आपका शुरुआत होता है, ठीक, इस पर सारे लोग ध्यान दीजिए। अगर हम बात करते हैं कि व्यंजन वर्णों में शुरुआत जो होता है तो इनके अलग अलग चीजें जो है बनती हैं और उन्हीं को अलग अलग नाम दिया जाता है, इस चीज को आपको समझना है। जैसे आपके जो 5×5 की मैट्रिक्स बनती है, ठीक है, सबसे पहला एक चीज, हां दूसरी चीज क्या होती है,
सबसे पहली चीज है ये भी ध्यान रखिएगा कि व्यंजन वर्गों में जितनी चीजें आपके सामने आएंगी, सबसे पहले चीजें तो जैसे अभी यूपी ट्रिपल एससी का 19 वाला आप पेपर देखोगे तो 19 वाले में परिभाषा से संबंधित अब ज्यादा प्रश्न आते हैं। अब सीधा सीधा नहीं पूछेगा कि अंगा का उच्चारण क्या है या इया का उच्चारण क्या है, ठीक है, उच्चारण से सवाल होते हैं, अभी अंत में हम लोग बात करेंगे, लेकिन व्यंजन वर्गों में जो परिभाषा होती है, जैसे पहला आपका होता है स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन, उसके बाद आपका जो आता है अंतास्त व्यंजन, अंतास्त व्यंजन की परिभाषा से भी सवाल पूछता है, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता है कि द्विगुण व्यंजन क्या है, द्विगुण व्यंजन के बाद आपसे पूछता है उच्छिप्त व्यंजन क्या है, इन्हीं सबकी परिभाषाओं पर भी हमें खासकर नजर डालनी है। उच्छिप्त व्यंजन के बाद आपसे पूछता है कि संयुक्त व्यंजन क्या है, इन्हीं सब की परिभाषाओं से सवाल आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। ये यूपी ट्रिपल एससी के नए प्रारूप पर सारी चीजें आधारित होती हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, एक एक परिभाषाओं के, फिर इनमें उच्चारण के आधार पर हम लोग देखेंगे कि उच्चारण के आधार पर आपका जो है स्पर्शी के अंतर्गत जितने आते हैं इन्हें और कौन सा नाम देते हैं, अंतास्त व्यंजनों में क्यों अंतास्त होते हैं, यानी इन्हीं सभी के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो चलिए आगे इसमें बढ़ रहे हैं, अगली चीजें जो आएंगी, सबसे पहले तो एक एक चीजें मैं आपके सामने लेकर चल रहा हूं यहां के बाद, ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो आपके 5x5 की मैट्रिक्स बनती है, का वर्ग से का से स्टार्ट करते हैं आप और मा तक आते हैं, ठीक है, ये 5x5 की जो मैट्रिक्स बनती है यानी कुल 25 वर्ण बनते हैं, इन 25 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। सबसे पहली चीज क्या आ गई आपके सामने, स्पर्शी व्यंजन की, ठीक है, यानी का से स्टार्ट करेंगे आप, का खा गा गा अंगा चा छा जा जा इया टा ठा डा डा औड़ा ता था दा धा ना पा पा बाभा मा, ये जो 5x5 की यानी 25 वर्ण है इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। अब स्पर्शी व्यंजन इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं, इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, तो जो वायु है, वायु आपके होठों से, जीभ से, दांत से, ठीक है, तालू से, सभी स्थानों से टच करते हुए निकलती है, छूते हुए निकलती है, इसी वजह से इनको स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो स्पर्शी व्यंजन की परिभाषा क्लियर हो गई, क्योंकि इसमें जो वायु है, ठीक है, वो हमारे मुंह के अंगों जैसे तालू हो गया, होंठ हो गए, जीभ हो गई, ठीक है, सभी को टच करते हुए वायु निकलती है, छूते हुए निकलती है, यानी स्पर्श करते हुए निकलती है, इसी वजह से इनका नाम स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। दूसरी बात यह ध्यान रखिएगा कि इसमें जैसे जिस वर्ण से आपका पहला जो है वर्ण जो होता है, ठीक है, 5 की आपकी जो है सीधी सीधी रो में, उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा उसी को उसका वर्ग बोलते हैं, यानी ये हर एक वर्ग बनाते हैं और इन्हीं के वर्ग बनाने की वजह से इन व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये भी दिमाग में रखिएगा, कभी कभार ये पूछता है सीधा सीधा कि वर्गीय व्यंजन किन्हें कहते हैं, तो ये जो आपका स्पर्श व्यंजनों की संख्या है इन्हीं को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। अब इसका नाम जब हमें बोलना होगा तो हम कितना बोलेंगे, सिर्फ बोल देंगे का वर्ग, तो का वर्ग का मतलब पूरे आ गए, इसको बोल देंगे चा वर्ग, तो चा वर्ग का मतलब ये पांचों इसके अंतर्गत हैं। अगर टा वर्ग बोल दिया गया तो टा वर्ग के अंतर्गत ये पांचों आएंगे, ना कि केवल टा, ऐसे ता वर्ग बोल दिया गया तो ये पांचों सम्मिलित हैं, पा वर्ग बोल दिया गया तो ये पांचों सम्मिलित होते हैं। तो स्पर्शी व्यंजन आपका क्लियर हो गया, परिभाषा क्या होती है, इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, इन सारी चीजों को दिमाग में रखिएगा। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जो दूसरे तरीके का आपकी व्यंजन के ही अंतर्गत, ठीक है, एक अन्य इसका वर्गीकरण बनाया जाता है, उसको समझते हैं कि वह व्यंजन की जो आपकी अगली चीजें हैं, मतलब अगला जो उसका वर्गीकरण है वह किन वजहों से है। तो उसके बाद आपका आता है या, रा, ला और वा। अब ये जो चार वर्ण आपके आते हैं, इन चार वर्णों को अंतास्त व्यंजन बोला जाता है, ठीक है, अंतास्त व्यंजन बोला जाता है। अंतास्त क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका जो उच्चारण होता है वह स्वरों व व्यंजनों के बीच में होता है। आप या बोलेंगे, ठीक है, रा बोलेंगे, तो रा यानी इसमें दो चीजें आती हैं,
आ तो आता ही आता है, तो व्यंजन और उसके बीच में, दोनों के बीच में उच्चारण होता है, आता है, इनको अंतःस्थ व्यंजनों की श्रेणी में रखा जाता है, समझ गए। उसके बाद इसमें जो चीजें आती हैं, थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, अंतास्त क्यों बोला गया, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में आता है, इसीलिए इनको अंतास्त बोला जाता है। अब दूसरी चीज यहां से क्या बनती है, एक सबसे बढ़िया जो इस समय प्रश्न उठा रहा है यूपी ट्रिपल एससी जैसे आपका, ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें जो दो वर्ण आपके सामने दिए गए हैं, या और वा जो वर्ण दिए गए हैं, इन दोनों को क्या बोला जाता है, इन दोनों को अर्ध स्वर कहा जाता है, इन दोनों को आपके अर्ध स्वर बोला जाता है, हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा, या वर्ण और वा वर्ण को अर्ध स्वर की संज्ञा दी जाती है। दूसरी चीज इसके अलावा जो इसमें आपका है, ठीक, रा जो आपका है, रा आपका लुंठित व्यंजन होता है, इसको लुंठित भी बोलते हैं, और ला जो आपका है, ला को पार्श्विक व्यंजन की संज्ञा दी जाती है, तो इतनी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा, इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि जीभ के पीछे से होकर के वायु निकलती है, ला बोलते हैं जब हम, देखिए आप बोल के उच्चारित करिए, जीभ आपकी घूमती है, ठीक, तो ला को पार्श्विक व्यंजन और रा को जो है लुंठित व्यंजन की भी संज्ञा दी जाती है, या और वा को क्या, अर्धस्वर बोला जाता है, तो इन चार चीजों को अंतास्त व्यंजनों में जरूर याद रखिएगा। दूसरी बात, अंतास्त की ये चार हो गए, इसमें एक चीजें और आपको याद रखनी है कि ये चारों के चारों, अभी सघोष और अल्पप्राण की परिभाषा बताएंगे तो उनको भी ध्यान रखिएगा, ये सभी आपके सघोष होते हैं और अल्पप्राण होते हैं, अभी इसकी परिभाषा आपकी आगे कंफर्म हो जाएगी कि सघोष क्या है, अल्पप्राण व्यंजन क्या है, महाप्राण व्यंजन क्या है, घोष व्यंजन क्या है, उनके परिभाषा पर हम लोग आगे चलेंगे। तो इनमें जो चार आपके बनते हैं, चार में बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं आपके सामने, और ये अलग अलग एग्जाम में हमेशा पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी से, इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी। अब हम लोग पहुंच गए वा तक, वा के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक, उसके बाद कौन सा व्यंजन आएगा, इसके बाद आपका आता है श, ठीक है, श एक आपका साधारण सा और फिर हा। अब ये जो व्यंजन है आपके श, श, सा और हा, इन चारों में जो है इनको संघर्षी व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। कैसा व्यंजन इनको बोलते हैं, इनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। संघर्षी व्यंजन इस वजह से क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो इनके उच्चारण में जो वायु है वह रगड़ खा के गर्म हो जाती है, इसी वजह से इनको संघर्षी व्यंजन की संज्ञा दी जाती है। क्या क्या, श, उच्चारण सभी का अलग है, हम इसको भी शा बोलते हैं, इसको भी शा बोलते हैं, ये उच्चारण आपके अलग है। ये पहले तो हमारा काम कैसे चल रहा, स्कूलों में याद करिए, प्राइमरी में जब पंडित जी पढ़ाते थे, इसको बोल देते थे सरोता वाला सा याद कर लो, इसको सलजम वाला, इसको षटकोड़ वाला, ठीक, बस हमारा काम इतना। यहां पर उच्चारण ये आपका श है, श, ये आपका शाह है, सभी में उच्चारण अलग अलग है, ये आपका सा है, ठीक है, साधारण वाला जो सरोता वाला हम लोग, ये तो हा है, ये इनको संघर्षी व्यंजन बोलते थे, ठीक है। अब उसके बाद जो चीजें आपकी बढ़ती हैं, इनमें वो चीजें आती हैं इन चारों के बाद में, ठीक, इन चारों के बाद में आप जानते हैं कि अगली चीज जो हमारी बसती है वह आती है संयुक्त जो है व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की संख्या आप सारे लोग जानते हैं कि चार है, उन चारों में आप सभी को मालूम है कि कौन कौन से इसके अंतर्गत आपके आते हैं। एक तो आपका आता है संयुक्त व्यंजन में, पहला आता है आपका श्रा, दूसरा आता है आपका क्षत्रिय वाला जो छा, ठीक है, और त्रा और ज्ञा, ये चार वर्ड आपके आते हैं जो संयुक्त व्यंजन की संज्ञा में रखे जाते हैं, तो इन सभी से मिला करके, ठीक है, आपका पूरा होता है वर्णमाला। इसी में एक उच्छिप्त बसता है, तो जो आपका डा होता है और ढा होता है, इनको उच्छिप्त व्यंजन या आगत व्यंजन भी बोला जाता है, उच्छिप्त व्यंजन या फिर आपका आगत व्यंजन की भी श्रेणी दी जाती है डा और ढा को, ठीक है। उच्छिप्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको बोलने में जीभ हमारी बहुत तेजी से जो है नीचे की ओर बढ़ती है, इसीलिए इनको उच्छिप्त व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त व्यंजन में अगर देखें, श्रा जो है ये संयुक्त व्यंजन के लिए इस वजह से आता है कि उसकी इसमें श और रा का जो है मेल होके श्रा बनता है। क्षत्रिय जो वाला आपका जो छ है, ठीक है, इसमें का और श का मेल होता है, इससे आपका छ बनता है। त्रा जो वर्ण है, त्रा वर्ण में ता और रा का मेल होता है, इससे त्रा बनता है। और जो ज्ञा है, इसमें जा और जो है
यहाँ शुरुआत कर रहे हैं, व्यंजन के प्रकार की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट मैं आपके सामने उठा रहा हूं प्राणत्व के आधार पर। ठीक है, प्राणत्व के आधार पर वर्णों जो है व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार, प्राण क्या है, सबसे पहला चीज ये आया। प्राण मतलब जो हमारे अंदर है वह नहीं, प्राण का अर्थ होता है हवा। ठीक है, या वायु की मात्रा, वायु की मात्रा कितनी हवा हमारे मुंह से बाहर निकल रही है, इस आधार पर जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो उनको हम प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण को मानते हैं। समझ गए, ये चीजें आ गई। जब हम वायु या हवा मुख में के अंदर से जो वायु या हवा की मात्रा निकलती है उस मात्रा के आधार पर जब हम व्यंजनों को देखते हैं तो इसमें दो प्रकार के बनते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम सभी वर्णों को देख सकते हैं कि स्वर के भी वर्ण क्या अल्प प्राण महाप्राण या घोष और अघोष पर क्या कैसे आते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि अल्प प्राण इसमें जो दो आपके जो है प्रमुख शाखाएं बनती हैं, विभेद विभेद बनते हैं, उनमें सबसे पहला विभेद होता है आपका अल्प प्राण व्यंजन का। ठीक है, अल्प प्राण और दूसरा जो बनता है यह बनता है आपके महाप्राण का। अब हमें यह जानना है कि अल्प प्राण व्यंजन क्या है, हमें यह जानना है अल्प प्राण व्यंजन क्या है और दूसरा यह जानना है महाप्राण व्यंजन क्या है, क्योंकि प्रश्न सीधा सीधा देखा देगा आपसे कि निम्न में से एक कोई अल्प प्राण है उसे पहचानिए। अब चार ऑप्शन आ गया, चार में से हमें ढूंढना होगा कि अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, या आपसे दे देगा कि निम्न में से कौन सा एक महाप्राण है। अब चार ऑप्शन है, चार में से आपको ढूंढना है कि कौन सा व्यंजन इसमें से या कौन सा वर्ण आपका महाप्राण और अल्प प्राण की श्रेणी में है। चलिए देख लेते हैं कि अल्प प्राण व्यंजन आपके होते क्या है। सबसे पहले मैं इस बारे में आपसे बात करता हूं। देखिए, बात आ चुकी है आपके अल्प प्राण की। अल्प मतलब क्या होता है, बहुत कम। ठीक है, अल्प का मतलब होता है कम। अब ऐसे आपके वर्ण मिल जाए जिनका उच्चारण करते समय जो वायु की मात्रा है मुंह से बहुत कम निकले तो वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन की जो है संज्ञा में आएगा, श्रेणी में आएगा। तो इनमें जब हम बात करते हैं आखिर कौन कौन से व्यंजन हैं जिनको हम अल्प प्राण की संज्ञा में रख सकते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा आप किन का जवाब का से उठाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बोलोगे का, बहुत कम वायु की मात्रा निकली, आप उच्चारित करके देखिए। फिर आप बोलोगे खा, तो थोड़ी सी वायु की मात्रा बढ़ गई तो वो अल्प प्राण नहीं है। फिर आप बोलोगे गा, इसमें भी वायु की मात्रा कम है। फिर आप बोलोगे घा, तो वहां वायु की मात्रा ज्यादा निकली तो वो भी अल्प प्राण नहीं। फिर आप बोलोगे क्या, अंगा। ठीक है, ऐसे यानी हर एक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण वो हाँ तीसरा वर्ण और जो पांचवा वर्ण होता है, यह तीनों आपके अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हर एक वर्ग का मतलब का वर्ग से लेकर आप पांच जो है पा वर्ग तक चलिए तो जहां तक आप जाओगे हर एक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा जो आपका वर्ण होता है वह अल्प प्राण व्यंजन की संज्ञा में आता है, क्योंकि इसको बोलने पर वायु की मात्रा बहुत कम निकलेगी। उसके अलावा अगर इसमें देखें कि और कौन सी चीजें आती हैं अल्प प्राण व्यंजनों में, तो वहां हमेशा याद रखिएगा कि अल्प प्राण व्यंजनों में इनके साथ ही साथ जो मैंने अभी आपसे चर्चा किया था या वा रा और ला की, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल होते हैं। यानी इसमें अंतास व्यंजन भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत ही आते हैं। वहां पर मैंने बताया ही था कि अंतास व्यंजन भी अल्प प्राण के अंतर्गत ही होते हैं। तो अल्प प्राण में हर एक वर्ग का आपका पहला तीसरा और पांचवा व्यंजन, साथ ही साथ चार आपके जो अल्प प्राण व्यंजन होते हैं यह भी मिल जाते हैं। ठीक, तो 15 वो हो गया, चार ये हो गया, कितने बन गए, 19 वर्ण बन गए। 19 वर्ण इसकी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम आगे बढ़ लेते हैं इसी में। ठीक, अल्प प्राण व्यंजन आपका क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं महाप्राण व्यंजनों की ओर, जो दूसरा इसका वर्गीकरण है महाप्राण। मैंने बताया कि जितने अल्प प्राण से बच गए वो महाप्राण की ओर बढ़ेंगे, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा ज्यादा निकलती हमारे मुख से वह महाप्राण व्यंजन होते हैं। जैसे इसमें सबसे पहली चीज क्या आती है, इसमें तो हमने बात किया पहला वर्ण हो गया, दूसरा हो गया और पहला तीसरा और पांचवा, तो बचे कौन से, हर एक वर्ग का दूसरा वर्ण बच रहा है और हर एक वर्ग का चौथा वर्ण बच रहा है। तो इन दोनों को अगर आप मिला लेंगे, ठीक है, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, तो ये जो आपके होते हैं हर एक वर्ग के वो क्या कहलाएंगे, महाप्राण व्यंजन कहलाएंगे। तब अब आप का से शुरू कर सकते हैं, इसमें खा आएगा,
फिर घा आएगा, ऐसे च में छा आएगा, झा आएगा, ऐसे आप पूरा बढ़ते जाएंगे तो यहां से 10 आपके यहां से मिल जाते हैं। और साथ ही साथ इनके अलावा जो आपका उष्म संघर्षी या संघर्षी व्यंजन होते हैं वो भी आपके महाप्राण के अंतर्गत शामिल होते हैं। संघर्षी जो व्यंजन होते हैं वो महाप्राण के अंतर्गत शामिल होते हैं, कौन से? शा, शा और आपका सा, ये तीन आते हैं, और एक आपका हा, शा 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 हा, ये चार जो आपके संघर्षी व्यंजन है वो भी महाप्राण के अंतर्गत होते हैं। और अल्प्राण में अंतास्थ व्यंजन आपका आता है, और जो आपके बाकी बचे पहला तीसरा और पांचवा वर्ण होते हैं वो आते हैं। तो अल्प्राण और महाप्राण आपका कंफर्म हो गया कि प्राणत्व के आधार पर व्यंजन क्या होते हैं। हमेशा एक चीज दिमाग में बनाए, अगर रटोगे तो कंफ्यूज होगे, एग्जाम में गलत करके आप आओगे, इसीलिए एक चीज बनाए रखिए दिमाग में कि हमने उच्चारित किया और वायु की मात्रा बहुत कम निकल गई तो वह क्या हो गया, वह आपका अल्पप्राण व्यंजन हो गया। ठीक है, हमने उच्चारण किया, वायु की मात्रा ज्यादा निकल गई तो वह महाप्राण व्यंजन हो गया। बस इतना ही दिमाग में बनाए रखिए, और कुछ भी आपको चीजें नहीं सोचना है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, ये तो प्राणत्व के आधार पर हो गया, अब हम बात करते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण या सभी वर्णों के जो है वर्गीकरण को देख लेते हैं कि जब हम घोष के बारे में बात करते हैं घोषत्व के आधार पर तो इनके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आपके शामिल होते हैं। तो घोषत्व का अर्थ सबसे पहले समझिए, भाई घोष किसको बोलते हैं, ये चीजें तो जानना है। ठीक है, अगला जो इनका वर्गीकरण है वह है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। अब घोष क्या होता है, घोष आप समझते हैं कि किसी को अंदर से हम कितना दम लगा के बोले, या सीधा सीधा जो अर्थ हम लेते हैं घोषत्व का, वह अर्थ होता है कि किसी वर्ण का उच्चारण या किसी शब्द के जो है प्रस्फुटन में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं, इन स्वर तंत्रियों में कितना कंपन होता है। किन्हीं किन्हीं वर्णों को आप बोलोगे तो स्वर तंत्रियों में जो कंपन है बहुत नाम मात्र का होगा, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं वर्णों को आप बोलते हैं तो वहां स्वर तंत्रियों में कंपन जो है ज्यादा होता है। इन्हीं के आधार पर, यानी घोषत्व यानी स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो आपका इनमें विभाजन किया गया वह घोषत्व का आधार होता है। अब घोषत्व के आधार पर जो वर्ण को देखते हैं तो दो तरीके से, एक तो आपका घोष वर्ण या जिसको आप सघोष बोलते हैं, और दूसरा बनता है आपका अघोष वर्ण। ठीक है, जिनमें कोई भी चीजें हमें स्वर तंत्रियों में जो कंपन हो वह कंपन बहुत ज्यादा ना हो। अब घोष वर्ण या सघोष वर्ण क्या होते हैं इन पर बात करते हैं, और अघोष वर्ण क्या होते हैं इन पर बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए सारे लोग, जब हम बात करेंगे कि घोष वर्णों के बारे में कि घोष वर्ण क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, घोष वर्ण आखिर क्या क्या इसके अंतर्गत आता है। घोष वर्ण का मतलब क्या हुआ कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन बहुत ज्यादा होता है, ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण करने में स्वर तंत्रियों में कंपन बहुत ज्यादा होता है। अब आप दिमाग लगाइए कि कौन से वर्ण, मैं का से स्टार्ट कर रहा हूं, का है, खा है, गा है, घा है और अंगा है। अब इनमें आप उच्चारण करिए, का और खा बोलने में क्या आपके स्वर तंत्रियों में कंपन बहुत ज्यादा हुआ? का खा बोलिए, नहीं हुआ। आप गा बोलिए, घा बोलिए, अंगा बोलिए, गा घा अंगा, अब स्वर तंत्रियों में कंपन ज्यादा हो गया। तो पहला दूसरा वर्ण आप छोड़ दीजिए, बाकी जो तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण होता है हर एक वर्ग का, वह घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपका तीसरा चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है हर एक जो है किसके अंतर्गत, वर्ग के अंतर्गत, वह किसके अंतर्गत होता है, वह घोष वर्णों के अंतर्गत आता है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत और चीजों में देखें, घोष वर्णों में ही आपका या रा ला और वा भी शामिल होता है, या रा ला और वा यानी अंतास्थ व्यंजन घोष व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। दूसरी बात, इसमें एक चीज और अगर हम डिफाइन करना चाहें मुख्य रूप से, तो वो चीजें हो जाएंगी, मैंने नोट्स में सब कुछ लिख दिया है बाकायदा, इसलिए बहुत शॉर्ट तरीके से यहां लिख रहा हूं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नहीं लिखना है, नोट्स में सब कुछ डिटेल में लिखा है तो उसको ज्यादा सोचना नहीं। हाँ, दूसरी बात, इसमें क्या बताया मैंने कि हर एक वर्ग का तीसरा
चौथा और पांचवा जो वर्ण होगा वो आपके घोष वर्णों के अंतर्गत होगा। साथ ही साथ जो अंतास्त व्यंजन है वह भी घोष वर्णों के अंतर्गत आते हैं। साथ ही साथ जितने आपके स्वर होते हैं वह भी आपके घोष वर्ण के ही अंतर्गत आते हैं। स्वर आपके सभी के सभी क्या होते हैं? घोष होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि यह आपका कई बार पूछा है और पूछेगा। अब हम घोष वर्णों के बाद बढ़ लेते हैं किन पर? अघोष की ओर। ठीक है, घोष लिखा रहे या आपका सघोष लिखा रहे तो दोनों चीजें एक ही हैं। वहां कहीं भी कंफ्यूजन अपने अंदर मत पालिएगा कि इसमें आपका घोष और अघोष में अलगा सघोष में अलगाव क्या। अब हम देखते हैं अघोष वर्णों को। ध्यान दीजिए, अघोष का वर्ण मतलब हुआ कि जिनमें हमें घोषत्व ना करना पड़े, स्वर तंत्रियों में कोई कंपन ना करना पड़े। तो मैंने बता दिया कि हर एक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन आप लिख लीजिए, वो सभी आपके किसके अंतर्गत हैं? वो सभी के सभी आपके अघोष वर्णों के अंतर्गत हैं, क्योंकि इनको बोलने पर आपके स्वर तंत्रियों में ज्यादा कंपन नहीं होता। दूसरी बात, इसके अलावा जो हमें याद रखना है ठीक वो, और खासकर इसमें अघोष में, तो एक जो आपके शा शा और शा और हा है ये किसके अंतर्गत होंगे? ये सभी आपके हा को थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक, हा इसके अंतर्गत नहीं होगा। हा जो होगा हा घोष वर्णों में आता है ठीक, हा घोष वर्ण में होता है। अघोष वर्ण में आपके शा शा सा होता है और हर एक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमने देख लिया अघोष क्या है, सघोष क्या है, अलप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, व्यंजनों के वर्गीकरण को हमने देख लिया, स्पर्शी व्यंजन क्या है, संघर्षी व्यंजन क्या है, उच्छिप्त व्यंजन क्या है, आगत व्यंजन क्या है ठीक है। तो सारी चीजों को, व्यंजनों के वर्गीकरण को हमने पढ़ लिया। अब हम एक साथ आपके पढ़ेंगे कि हर एक वर्ण जो है वर्णमाला में उसका उच्चारण जो है स्थान कहां कहां से है। तो एक मैं आपको सूत्र संस्कृत व्याकरण में जो इसके लिए सूत्र दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि वो पढ़ने में भी बहुत आसान है, आपको दिमाग बिठाने में भी बहुत आसान है, वरना आप में हमेशा कंफ्यूजन बनी रह जाती है कि कौन सा वर्ण कहां से उच्चारित होता है। तो चलिए अब हम इसके बाद शुरुआत करते हैं कि आपके जितने वर्णों के बारे में मैंने पढ़ाया उनके उच्चारण क्या क्या हैं।